आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और डिलीशियस ब्रेड पोटैटो रोल, वो भी सिर्फ एक चम्मच तेल में। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले गैस पर पैन गरम होने के लिए रखेंगे और उसमें एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, इन सबको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अब इसमें एक प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे, एक हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे, एक बड़ा चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसे चटपटा बनाने के लिए एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने 3 उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करके इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा चटपटा आलू का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस, ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। लीजिए, हमने सभी के कॉर्नर्स को कट कर लिया है। अब बेलन की सहायता से इसे फ्लैट कर लेंगे ताकि रोल करने में इजी रहे और जो हमने आलू का चटपटा मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इसमें हेल्दी बनाने के लिए इसमें पनीर हम कद्दूकस करके डाल रहे हैं, आप इसकी जगह चीज़ भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे रोल कर लेंगे, ऐसे सभी को तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर हमने टूथपिक लगा दिया ताकि ये खुले नहीं। इसे अब हम एयर फ्राई में बना रहे हैं, तो एयर फ्राई को 180 डिग्री टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख देंगे। और जब ये प्री हीट हो जाए तो अपने रोल्स को इसमें रखेंगे, ऊपर से ब्रशिंग करेंगे अमूल बटर की और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। लीजिए, हमारे इजी और डिलीशियस ब्रेड पोटैटो रोल बनकर तैयार हैं, वो भी सिर्फ एक चम्मच तेल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।